हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है इंडियन नेवी की तरफ से। वेरियस पोस्ट है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही तरह के पोस्ट रहने वाले है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें मेल फीमेल कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कंप्लीट डिटेल में मैं एग्जाम का जो पैटर्न है उसके साथ मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर आप भी हो थोड़े से भी सीरियस तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंडियन नेवी के अंतर्गत आपको वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराने वाला है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इनसेट, इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट आपको पास करना होगा। टोटल ओवरऑल पोस्ट पे अगर बात करें तो 910 सीट्स निकल के आई है। पोस्ट वाइज देख लेते हैं किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। फर्स्ट पोस्ट चार्जमैन के लिए है, सेकेंड है सीनियर ड्राउट्समैन के लिए, थर्ड आपका ट्रेड्समैन मेट के लिए रहेगा। चलिए देख लेते हैं कितना सीट है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर डिमांड रहने वाली है। फर्स्ट सीट जो आपकी चार्जमैन के लिए होगी 42 सीट्स रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या बात करें तो बीएससी, मतलब जो भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं साइंस स्ट्रीम वाले या फिर डिप्लोमा कर रखा है जिन्होंने रिलेटेड ट्रेड से, वो अप्लाई करेंगे। सेकेंड पोस्ट है आपका सीनियर ड्राउट्समैन, 258 सीट्स के लिए वैकेंसी है। आईटीआई या डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड से इन्होंने कर रखा है वो एलिजिबल रहने वाले। थर्ड पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट का, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी इसी आपको इसी पोस्ट के लिए है, 610 सीट रखा गया है। टेंथ पास आउट प्लस आईटीआई जिन्होंने कर रखा है रिलेटेड फील्ड से वो सभी यहां पर इलिजिबल रहने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि आपका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा 18th ऑफ दिसंबर से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 31st दिसंबर 2023 रहने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 31st ऑफ दिसंबर की लास्ट डेट है तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, नहीं, 18th ऑफ दिसंबर से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो आप फॉर्म अप्लाई कर दो। बाद में जब कुछ इशू हो उससे अच्छा है कि जितना जल्दी काम को आप कर लो ज्यादा बढ़िया होता है। चलिए बता देती हूँ कि पोस्ट वाइज क्या एज का आपका लिमिट रहने वाला है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एज कब से कैलकुलेट होगा। योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर। आप चार्जमैन एंड ट्रेड्समैन के लिए आपका जो मिनिमम 18 इयर्स मैक्सिमम 25 इयर्स रहेगा एज ऑन 31st दिसंबर। सेकेंड आपका सीनियर ड्राउट्समैन के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 इयर्स। और जैसा आपको पता है रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। अब ये सारी बेसिक डिटेल आपने जान लिया है तो फॉर्म भी अप्लाई करोगे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्या फी लिया जाएगा मैं अभी आपको डिस्कस कर देती हूँ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 295 रुपीस। इसके अलावा एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एक सर्विसमैन और अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, आपको एकदम फ्री है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे के स्टेज में जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किन किन स्टेज से होके गुजरेगा, आप कैसे अपना मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ सकता है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर ऑनलाइन एग्जाम, देन होगा आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एट लास्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जाम दिया आपने, डीवी क्लियर कर लिया, मेडिकल आपका निकल गया, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में जाने से पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज आपका एग्जाम जो होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। आपके पेपर में फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 90 मिनट्स। और अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब आपका रीजनिंग का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए,
जनरल अवेयरनेस मतलब कि जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। थर्ड सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज इसके भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। सो दिस इज ओवरऑल आपका एग्जाम का पैटर्न। आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो एग्जाम क्लियर करना है, फिर डीवी निकालना है, उसके बाद मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका जॉब लग जाएगा। तो जॉब लगेगा तो आपको क्या यहाँ पर सैलरी मिलेगी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट जो आपका पोस्ट है चार्ज मैन का, स्टार्टिंग सैलरी है 50,000 एंड आपको आफ्टर इंक्रीमेंट 1,30,000 मतलब कि 50,000 आपकी ज्वाइनिंग की सैलरी है। और जैसे जैसे आप काम करोगे हर साल सैलरी बढ़ेगी, तो 1,30,000 तक आपकी पर मंथ की सैलरी हो सकती है। सेकेंड पोस्ट है ट्रेड्समैन, तो इसमें ज्वाइन करते ही आपको 31,000 मतलब 31,000 की सैलरी मिलेगी एंड आफ्टर द पर्स अलाउंसेस पर ईयर इंक्रीमेंट आपकी सैलरी 70,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है, मतलब 70,000 रुपये पर महीने आपको सैलरी के तौर पे मिलेंगे। थर्ड पोस्ट सीनियर ड्राउट्समैन, इसके लिए आपको स्टार्टिंग सैलरी है 35,400 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर ऑफ इंक्रीमेंट आपकी सैलरी हो जाती है 1,12,400 मतलब 1,12,400। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए एग्जाम की पैटर्न को देखो, आप अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो। प्रीवियस ईयर में सबसे पहली चीज है कि प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, आप कहाँ पर आपका गलती हो रहा है या फिर आपका सिलेबस छूट रहा है उस पर वर्क करो, मॉडल पेपर वगैरह बनाओ। एंड आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है कम्प्लीटली आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पर भी कुछ क्वेरीज रह गई हो, मन में कुछ डाउट हो, पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछो। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं पोस्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, वहां पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगे आपसे फिर से किसी फ्रेश गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक care.